अब आ जाते हैं टू अप्रोचेस ऑफ एथिकल लीडरशिप, बेसिकली कंप्लायंस बेस्ड और इंटेग्रिटी बेस्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको नजर आएगा, इंटेग्रिटी बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप। दोनों जो हैं जी बिल्कुल एक पॉइंट पे दोनों सिमिलर हैं कि जी एथिकल वैल्यूज और एथिकल प्रैक्टिसेस दोनों की कोशिश होती है, कोशिश क्या, दे मेक श्योर कि उस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। बट अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, कंप्लायंस बेस्ड जैसे आप वो कह रहे हैं ये इन्फोर्स करते हैं एथिकल वैल्यूज़ को, यानी ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल वैल्यूज़ प्रैक्टिस की जाएँ, ठीक है जी। कोई नहीं कर रहा तो इन्फोर्स किया जाता है उसको कि करो ये, इस तरह नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो वो क्या है कि जी जो दोज इन चार्ज ऑफ एथिक्स आर कॉल्ड कंप्लायंस ऑफिसर्स और रिस्क मैनेजर्स, ठीक है जी। यानी जो इंचार्ज होते हैं कि मेक श्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वे में रन की जाए, वो लोग कंप्लायंस ऑफिसर्स और रिस्क मैनेजर्स। अब रिस्क मैनेजर का मतलब ये है कि वो रिस्क की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, किसी भी काम में रिस्क कितना है। अगर हम कोई एथिकल प्रैक्टिस या एथिकल वे में कोई चीज़ नहीं करते तो उसका नुकसान हमें कितना हो सकता है, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि बेयर मिनिमम अचीव कर रहे होते हैं, यानी इसका मतलब ये है के लॉज के अंदर, यानी जो भी उनकी इंडस्ट्री के लॉ हैं, मुल्क के लॉ हैं, वो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी है बस ये उतना अचीव करने की इनकी टारगेट ये होता है। यानी कोई हम ऐसा काम ना करें जो अनलॉफुल हो जाए, ठीक है जी। जहाँ तक भी लॉफुल है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, यानी अगर हम लॉफुली अगर कोई ऐसी चीज़ कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत एथिक्स में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो दे विल डू इट, ठीक है जी। दे आर मोर कंसर्न विद के अनलॉफुल पे ना जाएं, हमें कोई पकड़ ना ले, बस यानी ये इतना अचीव करते हैं कि हमें कोई पकड़ ना सके, यानी हम कोर्ट ऑफ लॉ में कोई हमारे खिलाफ़ केस लेके ना चला जाए या हमारे खिलाफ़ कोई दावा वगैरह ना हो जाए, ठीक है जी। बेसिकली ये बेयर मिनिमम कंप्लायंस बेस्ड लीडरशिप बेयर मिनिमम और इन्फोर्स करती है, ठीक है जी। लोगों को ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर, यानी एजुकेट नहीं करती, इन्फोर्स करती है। आप सिखा नहीं रहे, आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं लोगों से, ठीक है जी। बट और इंटेग्रिटी क्या है, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, जिसमें जो लीडर है वो बेसिकली क्या है, बिलीव्स रखता है, यानी ईमान है उसका एथिकल वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस के ऊपर। वो क्या है, वो बेयर मिनिमम के चक्कर में नहीं है, वो हाईएस्ट एथिकल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस पे, यानी उसकी जो पीक है वहाँ पे जाना चाहता है। वो इसलिए एथिकल लॉज को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, वो एथिकल लॉज को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो उसका बिलीफ का एक हिस्सा है, वो एक कल्चर बना रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो एजुकेट करता है लोगों को कि ये काम हमें करना है क्योंकि ये सही रास्ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चीफ ऑफिसर जो एथिक्स के हवाले से वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एंड बोर्ड मेंबर कमेटी, ठीक है जी। ये क्या है, इनका काम क्या होता है, ये लोगों को सिखा रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है जी। उनका बिलीफ सिस्टम, बेसिकली वो बिलीफ सिस्टम के साथ प्ले कर रहे होते हैं कि जी बिलीफ सिस्टम आए लोगों के अंदर, उनको करना ना पड़े, लोगों की ज़रूरत ना पड़े जो उनके ऊपर खड़े हो देख रहे हो कि यार ये एथिकल वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है जी। खुद उनका, जब आपका अपना बिलीफ सिस्टम इंटरनल होता है फिर किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी एथिकल वे में काम करते हैं, ठीक है जी। फ़र्क क्या है कि कंप्लायंस बेस बेयर मिनिमम और इंटेग्रिटी बेस जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल वैल्यूज़ को अचीव करना चाहती है।